वेलकम बैक टू माई न्यू यूट्यूब चैनल द बायोसाइंस अरीना। सो टूडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 10 साइंस बुक दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन वॉट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सेकेंड वन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो पहला वर्ड है केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन होता क्या है? इट इज द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड विद देयर न्यू प्रॉपर्टीज। यानी कि नए सब्सटेंस का बनना किसी भी रिएक्टेंट से, इसी को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। इस प्रोसेस को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। अब वो जो सब्सटेंस बना है उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो भी डिफर होती है। कैसे? एक एग्जाम्पल लेते हैं। H2 जब रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो H2O बनाएगा। अब ये जो H2 है यानी कि हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में है, ऑक्सीजन भी गैस की फॉर्म में है, और जब वाटर बनाएगा यानी तो लिक्विड की फॉर्म में होता है। तो अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो प्रॉपर्टी है वो गैस फॉर्म में है, ये चेंज हो जाएगी, उसका स्टेट चेंज हो जाएगा लिक्विड में। तो जब कोई भी नया प्रोडक्ट बनता है तो उसकी भी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी और केमिकल प्रॉपर्टीज भी। अब केमिकल इक्वेशन से क्या मतलब है? अब मान लो हम इसको ऐसे लिखें, हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, इट गिव्स वॉटर। तो अब हम रिएक्शन को अगर सेंटेंस की फॉर्म में लिखेंगे काफी लेंथी हो जाएगा, समझने में भी थोड़ी दिक्कत होगी। तो इसीलिए रिएक्शन को केमिस्ट्री में हमेशा इक्वेशन की फॉर्म में लिखा जाता है। अब जैसे हाइड्रोजन का सिंबल H2 रिएक्ट करेगा, रिएक्ट को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं यानी कि रिएक्ट। अब ऑक्सीजन का सिंबल O2 इट गिव्स को रिप्रेजेंट करते हैं एरो से, वाटर यानी कि जो प्रोडक्ट बना है वो उसका सिंबल ये रहा। तो किसी भी रिएक्शन को इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना जरूरी होता है केमिस्ट्री में। अब जो चीज एज हम स्टार्टर लेते हैं किसी भी रिएक्शन में तो उसे हम बोलते हैं रिएक्टेंट। जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमने लिया तो इसी को हम बोलते हैं रिएक्टेंट। अब जो चीज बनी है उसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट। जैसे कि H2O है, ये बना है, तो इसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट। तो ये है सिंपल रूल किसी भी केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का। अब हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो जब भी कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें कुछ ऑब्जर्वेबल चेंजेस आते हैं। जैसे कि पहला है इवोल्यूशन ऑफ गैस, सेकंड वन इज चेंज इन टेम्परेचर, थर्ड वन इज चेंज इन स्टेट, फोर्थ वन इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, एंड फिफ्थ वन इज चेंज इन कलर। तो जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी तो उनमें कुछ चेंजेस आते हैं, जैसे कि या तो गैस का इवॉल्व होगा, या फिर टेम्परेचर में चेंज आएगा, या फिर उसकी स्टेट बदल जाएगी यानी कि सॉलिड से लिक्विड, या लिक्विड से गैस, या गैस से लिक्विड हो जाएगा, या फिर उसमें प्रेसिपिटेशन फॉर्म होगा। प्रेसिपिटेशन क्या होता है? जब हम कोई भी रिएक्शन किसी भी सरफेस पे कराते हैं तो उस सरफेस पे सॉल्यूशन में से जो सॉलिड सब्सटेंस होता है वो बाहर निकल जाता है, उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। या फिर उसके कलर में चेंज हो जाएगा यानी कि कोई भी जो रिएक्शन है रिएक्टेंट का कलर कुछ और होगा, और जब उसका प्रोडक्ट बनेगा तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। अब इनके कुछ एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं।
तो पहले केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, यानी कि इवोल्यूशन ऑफ गैस। कुछ रिएक्शंस क्या होती हैं जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं तो गैस का इवोल्यूशन होता है। जैसे कि एक एग्जांपल से समझते हैं, जब हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में जिंक के ग्रेन्यूल्स डालेंगे, जो कि जिंक एक मेटल है, तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होगा। अब ये जो गैस निकली है हाइड्रोजन गैस है, इसको हम कैसे डिटेक्ट करेंगे, तो ये एक डिलीवरी ट्यूब के थ्रू हम गैस को ट्रांसफ़र करेंगे सोप सॉल्यूशन में, जिसमें से बबल का फॉर्मेशन होगा। जब अब ये जो बबल्स होंगे, हम कोई भी कैंडल या बर्नर ले जाएंगे इन बबल्स के पास, तो ये बर्स्ट होंगे और इनमें से पॉप लाइक साउंड आएगी, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि वो जो गैस है वो हाइड्रोजन गैस है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फर्स्टली व्हाट इज प्रेसिपिटेट, तो अ प्रेसिपिटेट इज अ सॉलिड प्रोडक्ट विच सेपरेट्स आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। यानी कि केमिकल रिएक्शन में जो कुछ सॉलिड प्रोडक्ट होते हैं वो सेपरेट आउट हो जाते हैं सॉल्यूशन से, उसे हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। तो इसका एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जब हम लीड नाइट्रेट, जो कि कलरलेस होता है, वो डालेंगे पोटेशियम आयोडीन में, तो एक येलो कलर का प्रेसिपिटेशन फॉर्म होता है, जिसे हम कहते हैं लीड आयोडीन। अब आते हैं तीसरे कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि चेंज इन कलर। कुछ केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, जब हम रिएक्शन कराते हैं तो उनके कलर चेंज हो जाते हैं। जैसे कि किसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन में जब हम सल्फर डाइऑक्साइड गैस को पास कराएंगे, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर जो पहले ऑरेंज था, वो ऑरेंज से चेंज होके ग्रीन में हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज चेंज इन टेम्परेचर। कुछ रिएक्शंस में क्या होता है, जब हम केमिकल से प्रोडक्ट बनाते हैं तो उनका टेम्परेचर चेंज हो जाता है, यानी कि या तो टेम्परेचर डाउन हो जाएगा या टेम्परेचर राइज हो जाएगा। जैसे कि इसमें दिखाया है, जब क्विक लाइम, जिसे हम कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, उसमें अगर हम वाटर डालें तो जो टेम्परेचर होगा वो राइज हो जाएगा और स्लेक्ड लाइम बनेगा, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होगा। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि टेम्परेचर राइज हुआ है, तो जिस बीकर में हमने क्विक लाइम और वाटर को रिएक्ट कराया है, अगर हम उस बीकर को छू के देखेंगे तो उस बीकर के जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से वो बीकर गर्म हो जाएगा। और ये जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, यानी कि लाइम स्टोन, जिसे हम नॉर्मल भाषा में चूना भी बोलते हैं, ये एज ए वाइट वॉशिंग यूज़ किया जाता है। एंड नेक्स्ट वन इज़ चेंज इन स्टेट। यानी कि किसी किसी रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट की जो स्टेट होती है वो कुछ और होती है, और जब प्रोडक्ट बनता है तो उसकी स्टेट चेंज हो जाती है। जैसे कि एग्जांपल है वैक्स। वैक्स जो कि पहले सॉलिड फॉर्म में होती है, जब हम उसको बर्न करेंगे, यानी कि कैंडल को हम जब बर्न करेंगे, तो लिक्विड फॉर्म में वो निकलती है और CO2 जो गैस होती है उस फॉर्म में भी निकल जाती है। तो इसमें स्टेट चेंज हुआ, पहले सॉलिड था, सॉलिड से लिक्विड की फॉर्म में वैक्स निकली और गैस भी रिलीज हुई। अब इक्वेशंस को मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए हमें कुछ रूल्स अप्लाई करने पड़ते हैं। जैसे कि इक्वेशन में हमें क्या बताना चाहिए कि वो किस फिजिकल स्टेट में है, यानी कि जो भी हम रिएक्टेंट ले रहे हैं और जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी जो फिजिकल स्टेट है वो क्या है। जैसे कि कोई भी एक रिएक्शन है, तो रिएक्टेंट हमने किस स्टेट में लिया, सॉलिड स्टेट में लिया, लिक्विड में लिया, या एक्वस में लिया, या फिर हमने गैस फॉर्म में लिया, तो इसको रिप्रेजेंट करना भी जरूरी होता है। अगर हमने सॉलिड स्टेट में लिया है तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर लिक्विड स्टेट में लिया है तो एल से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर एक्वस फॉर्म में लिया है तो AQ, और अगर गैस फॉर्म में लिया है तो G से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड करते हैं हीट चेंजेस। यानी कि अगर हीट के बेसिस पे रिएक्शंस को हम डिवाइड करें तो दो तरीके से होती है। पहला है एक्सोथर्मिक
रिएक्शन एंड सेकेंड वन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन. अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? वो रिएक्शन जिसमें हीट निकलती है, यानी कि जब कोई भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा तो प्रोडक्ट में हीट निकलेगी, तो उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन. जैसे कि हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं, सी जो कि हमने सॉलिड स्टेट में लिया है प्लस ऑक्सीजन O2 जो कि हमने गैस फॉर्म में लिया है तो CO2 बनाएगा, तो और इसमें हीट भी इवॉल्व होगी. तो जिस रिएक्शन में हीट इवॉल्व होती है उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन. और एक्सोथर्मिक रिएक्शन अगर होती है तो हीट को हम प्रोडक्ट की साइड लिखते हैं और हीट को हम ट्रायंगल से भी रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन. अब जो रेस्पिरेशन होता है ह्यूमन बीइंग के या लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि उसमें एनर्जी या फिर हीट कुछ भी कह दें वो इवॉल्व होती है. अब हम बात करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन की. तो एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होते हैं जिसमें हीट या एनर्जी, हीट भी एक एनर्जी का ही फॉर्म है, जो एब्जॉर्ब करते हैं उसे हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन. जैसे इसका एग्जांपल है N2 जो कि गैस फॉर्म में है, जब वो रिएक्ट करेगा O2 के साथ और इसमें हीट एब्जॉर्ब होगी, इसलिए हम हीट NO यानी कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड फॉर्म करेगा. तो ये है एंडोथर्मिक रिएक्शन. अब अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है यानी कि हीट एब्जॉर्ब होती है, तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं रिएक्टेंट की साइड लिखकर, और जबकि एक्सोथर्मिक में हम लिखते हैं उसको प्रोडक्ट की साइड. अब हम बात करते हैं थर्ड इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड करानी चाहिए, कंडीशन. यानी कि हम कोई भी जो रिएक्शन करा रहे हैं उसको क्या कंडीशन प्रोवाइड कराएं, वो भी हमें इसमें इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना चाहिए. जैसे कि मान लीजिए कोई भी इक्वेशन है A+B gives AB, तो इसमें हमने कितना प्रेशर रखा, तो पहला कितना एटमॉस्फेरिक हमने प्रेशर रखा ये बताना चाहिए. टेम्परेचर, कितने टेम्परेचर पे हम करा रहे हैं. तीसरा, अगर हम कोई कैटेलिस्ट या एंजाइम यूज कर रहे हैं तो वो कैटेलिस्ट. कैटेलिस्ट क्या होता है? किसी भी रिएक्शन की स्पीड को एनहांस करने के लिए जो हम यूज करते हैं उसी को हम बोलते हैं कैटेलिस्ट. अब अगला, अगर हम किसी भी रिएक्शन में हीट प्रोवाइड करा रहे हैं यानी कि, तो उसको ट्राइंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हैं तो भी हम ऊपर एरो के ऊपर लिखते हैं. तो ये सब हमें कंडीशन प्रोवाइड करानी चाहिए और ये सब हम एरो के ऊपर या एरो के नीचे. अभी ये क्वेश्चन है जो 2015 में आया है. 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज एडेड टू ए फ्यू पीसेस ऑफ ग्रेन्यूलेटेड जिंक टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब व्हेन द कंटेंट्स आर वार्म्ड. अ गैस इवॉल्व विच इज बबल्ड थ्रू अ सोप सॉल्यूशन बिफोर टेस्टिंग. Write the equation of the chemical reaction involved and the test to detect the gas. Name the gas which will evolve when the same metal react with dilute solution of a strong acid. तो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? जब हम 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में ग्रेन्यूलेटेड जिंक को डालेंगे, उसके बाद उसको वार्म करेंगे, तो एक गैस इवॉल्व होगी विच इज़ बबल थ्रू इस सोप सॉल्यूशन. यानी कि जब हम उसको सोप सॉल्यूशन में ट्रांसफ़र करेंगे उस गैस को, तो बबल फॉर्म होंगे. राइट द इक्वेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन, यानी कि अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये जो रिएक्शन हुई है इसकी केमिकल इक्वेशन लिखनी है, उसके बाद और कैसे हम उस गैस को डिटेक्ट कर सकते हैं कि वो कौन सी गैस है. और क्या पूछा है कि अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन की जगह कोई और स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट कराएं जिंक के साथ, तो तब कौन सी रिएक्शन बनेगी. तो एक ही क्वेश्चन में 3 पार्ट पूछे गए हैं. तो इसकी रिएक्शन होगी ZN यानी कि जिंक जब NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो Na2ZnO2 बनाएगा, यानी कि सोडियम जिंकेट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी.
अब सेकंड चीज़ इसमें पूछ रहा है कि हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं कि वो हाइड्रोजन गैस है। तो जब हम बर्निंग मैच स्टिक ले जाएंगे बबल के पास तो पॉप लाइक साउंड आएगा और ब्लू फ्लेम भी लिब्रेट। अब तीसरा पॉइंट क्या पूछ रहा है कि अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड रख दें इन प्लेस ऑफ NaOH तो क्या होगा, तो सेम गैस ही लिब्रेट होगी, यानी कि हाइड्रोजन गैस ही लिब्रेट होगी।